Hello everybody, I am Mohammad Murtaza. Today I am going to discuss a very special topic of English grammar that is called narration. So far as I am concerned, this topic has been a problematic one for the most of students. But I assure you that after watching my video, most of your confusion will be removed. So without making any delay, we should start narration. Narration. ये शब्द कहाँ से आया? Narrate से आया. Narrate का मतलब होता है कहना या बताना. तो narrate से narration बना. इसे आप statement भी कह सकते हैं, but grammar में आप जो है इसे narration ही कहते हैं. या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. तो नरेशन दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन. नरेशन कथन कोई भी दो तरह का हो सकता है. एक डायरेक्ट नरेशन हो सकता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है. नंबर एक डायरेक्ट नरेशन. एग्जांपल इसका ले लेते हैं. कविता सेड आई विल नॉट हेल्प यू. दूसरा आपका इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं. David said that I was not a good player. समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. डायरेक्ट नरेशन. कविता सेड आई विल नॉट गो, आई विल नॉट हेल्प यू. यहां पर देखें, जैसा कविता ने कहा था उसी तरह से उसकी बात को रख दिया गया. ये हुआ आपका डायरेक्ट नरेशन. दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? जब किसी के द्वारा कही गई बात को हम अपने ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं. उसकी समरी को हम प्रेजेंट करते हैं या उसका मीनिंग अपना समझ करके अपने ढंग से लिखते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, डेविड सेड दैट आई वॉज नॉट अ गुड प्लेयर. यहाँ पर आप देखें डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कुछ पार्ट है, कुछ अंदर पार्ट है, बट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए गए हैं. तो इस प्रकार से आपका डायरेक्ट नरेशन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा, उसके दो पार्ट होते हैं, और जो आपका इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है. एक कविता वाले एग्जाम्पल को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं. देखते हैं इसको. कविता सेड दैट शी would not help me. यहाँ पर देखें, यहाँ पर कविता I will not help you, but यहाँ आप क्या देख रहे हैं? She would not help me. Means उसका summary present किया गया. ये आपका हो गया indirect narration. अब यहाँ तक confirm होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक direct narration के दो part होते हैं. Every direct narration has two parts. डायरेक्ट नरेशन. तो हर डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं. एक होता है आपका रिपोर्टिंग, एक होता है रिपोर्टेड. इसमें आप स्पीच, स्टेटमेंट या क्लॉज लगाते हैं. ठीक है, देखते हैं उसको. इसी एग्जांपल को ले लेते हैं. वी शुड टेक द सेम एग्जांपल. कविता सेड आई will not help you. इसे समझते हैं. कविता सेट क्या है आपका? रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग वर्ड कहां से आया? रिपोर्ट से बना है. आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है. उसका हिंदी में मायने आप जब निकालते हैं तो हुआ या करके, माने रिपोर्ट करते हुए या बताते हुए जो यूज किया जा रहा है वो रिपोर्टिंग होता है. और रिपोर्टेड मीन्स
कहा गया आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल है रिपोर्टेड, ये क्या हो गया रिपोर्टेड। अब रिपोर्टेड में कुछ लोग इसको क्लास कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं, कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, सम से एंड सम से इसको भी स्पीच कहते हैं, सम से इसे रिपोर्टिंग वर्ब कुछ लोग कहते हैं, इसे भी आप क्या कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और कुछ लोग इसे रिपोर्टेड स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ पाए हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड क्लास, रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा क्या होता है आपका रिपोर्टेड क्लास, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्टेटमेंट। इस तरह से दोनों पार्ट को आप समझ लें। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको कन्फ्यूज कर सकता है, वन थिंग कैन कन्फ्यूज यू, दैट रिपोर्टिंग क्लास कहाँ कहाँ हो सकता है। आप देखेंगे कभी कभी रिपोर्टिंग क्लास शुरुआत में रहेगा, कभी सेंटेंस के जो भी डायरेक्ट नरेशन होगा उसके मिडिल में पाएंगे आप, एंड समटाइम्स यू विल गेट इट इन द लास्ट ऑफ द गिवन डायरेक्ट नरेशन। बट वाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द पार्ट विच इज आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामास, देखें ध्यान दीजिए, जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कामास हो सकते हैं वहाँ पे कहीं कहीं आपको सिंगल भी मिलेंगे, नो डाउट, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि जो पार्ट आपका जो है इन्वर्टेड कामास से बाहर रहेगा उसे आप रिपोर्टिंग कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होगा उसे आप रिपोर्टेड कहेंगे। अब हम आगे इसको समझते हैं कि रिपोर्टिंग क्लास जो अभी मैंने बताया कि शुरू में हो सकता है, आखिर में हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, तीन एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ कहाँ हो सकता है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि ये वाक्य सेंटेंस के जो भी सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन दिया है उसके बिगिनिंग में हो सकता है, उसके एंड में हो सकता है या उसके मिडिल में हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों, मनु सेड दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर देखें इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट आपका जो रहेगा वो रिपोर्टेड कहा जाता है, जैसा कि अभी शुरू में हमने बताया, उसके बाहर क्या है मनुष्य। सेकंड वाले माँ के देखते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपका इन्वर्टेड कॉमास के विद इन इन्वर्टेड कॉमास है, तो आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास क्या है आपका सेट किरण टू महेंद्र। तो ये दूसरा आपका एग्जांपल हुआ कि इसमें आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो लास्ट में चला आया। थर्ड वाले एग्जाम्पल हम देखते हैं, महात्मा गांधी सेट द टीचर वॉज अ ग्रेट लीडर, ये पार्ट आपका महात्मा गांधी इन्वर्टेड कॉमास में और इसी को सपोर्ट करता हुआ उसका ये पार्ट है वॉज अ ग्रेट लीडर, तो दोनों मिलाएंगे कि महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ये आपका क्या हो गया रिपोर्टेड क्लास हो गया या रिपोर्टेड स्पीच व्हाट एवर यू कैन से, और उसके बाहर वाला जो आपका पार्ट होता है वो आपका क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच। एनी डाउट? अब हमें क्या देखना है, हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, व्हेन एवर वी आर चेंजिंग एनी डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, देयर आर सम रूल्स विच आर फॉलोड इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस, हर तरह के सेंटेंस, चाहे वो असर्टिव हो, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपके ऑप्टेटिव हो, इम्परेटिव हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, हर प्रकार के सेंटेंसेस में वो रूल फॉलो किए जाते हैं। इन रूल्स को हम जनरल रूल्स कहते हैं। तो आइए एक निगाह हम जनरल रूल्स पर डालते हैं कि क्या क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जनरल रूल्स हैं, जनरल रूल्स या कॉमन रूल्स उनको बोलते हैं। आइए देखते हैं कॉमन रूल्स या इसको और से क्या कह सकते हैं बच्चों, जनरल रूल्स। ये जनरल रूल्स हैं। तो जनरल रूल्स क्या है, जनरली दीज रूल्स आर फॉलोड एवरीवेयर एवरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हेन वी आर चेंजिंग देम फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहला जनरल रूल आपका कहता क्या है उसको हम देख लेते हैं कि फर्स्ट रूल आपका क्या बोलता है। फर्स्ट रूल आपका कहता है रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। फर्स्ट रूल, अभी हम एग्जांपल जब देंगे आपको तो वहां पर क्लियर करते हैं। सेकंड आपका क्या होता है, नो चेंज इन द टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड
क्लास या रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड क्लास जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि रिपोर्टेड क्लास है या रिपोर्टेड स्पीच. अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नो चेंज कब होगा. जनरल रूल में पहला तो रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, आप समझ गए, डबल इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं, दे में भी सिंगुलर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको हम रिमूव कर दें. सेकंड थिंग क्या है कि नो चेंज इन द टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लास. जो रिपोर्टेड क्लास मीन्स द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट नरेशन विच इज गिवन विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, उसके टेंस में वी हैव टू मेक नो चेंज, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है. तो देखते हैं कब नहीं करना है, इसको समझते हैं. जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए बच्चों, प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में, किसमें हो, प्रेजेंट और फ्यूचर, ध्यान रखिएगा. कब नहीं चेंज होगा, जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग क्लॉज है, जिसे जो भी कहते हैं आप, या रिपोर्टिंग स्पीच है, वो किसमें होगा, या तो प्रेजेंट में रहे या तो फ्यूचर में रहे. ऐसी कंडीशन में वेन एवर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा या रिपोर्टेड क्लास का जो भी टेंस है, उसके टेंस में, वर्ब के टेंस में कोई चेंज हमें नहीं लाना है. जस्ट कीप इन माइंड. कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझते हैं. रानी सेज दे आर प्लेइंग विद मी. अब यहां पर देखते हैं बच्चों, रानी सेज, सेज यस और यस सिंगुलर के साथ क्या फॉलो कर रहा है, यस यस फॉलो कर रहा है, मींस आपका क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में. अभी आपने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो नो चेंज इन द टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लास है. तो रिपोर्टेड क्लास आपका ये है, इसका जो वर्ब है क्या है, प्लेइंग है, उसके टेंस में कोई चेंज आपको करना वरना नहीं है. तो रानी सेज ही रह जाएगा, रानी सेज और कंजक्शन दैट लगता है. हाँ, दे आर प्लेइंग With her. Me का हर हुआ और कंजक्शन दैट लगा, बट टेंस में चेंज नहीं हुआ है. ये चीजें बात की चीजें हैं, उन्हें हम अभी आगे समझते हैं कि कहाँ पर कंजक्शन दैट लगता है, कहाँ पर इफ लगता है, कहाँ पर किस तरह से कंजक्शन अप्लाई किए जाते हैं, कहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड लग जाता है, कहाँ पर वेदर लगता है, उसे हम बाद में समझेंगे. फर्स्ट हमें ये समझना है कि जनरल रूल्स क्या है. जनरल जो आपको कहता है, पहला जनरल रूल्स कह रहा है कि आपका रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हो गया, तो इन्वर्टेड कॉमास आपके हट गए. दूसरा जनरल रूल क्या कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग में आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो देखिए रिपोर्टिंग प्रेजेंट में था तो टेंस में चेंज नहीं आया, पर्सन में चेंज आया, पर्सन चेंज का रूल अलग है, वो भी जनरल रूल्स में आता है. उसको हम अभी यहाँ पर पर्टिकुलर इसी क्लास में देखेंगे कि टेंस कैसे बदलता है, फिर पर्सन कैसे बदलता है. आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्यूचर का भी. You will not cook food will say Reena. देखिए बच्चों, अब अभी हम शुरू में जो बात कर रहे थे कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्ट, देखिए रिपोर्टेड क्लास आपका इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट इस साइड में है और यहाँ पर लास्ट में आपका क्या है, रिपोर्टिंग क्लास है. तो इसी रिपोर्टिंग क्लास को देखना था हमको. रिपोर्टिंग क्लास आपका किस में है, फ्यूचर में है. किस में है, फ्यूचर में है. तो फ्यूचर में होने पर भी क्या होना चाहिए, देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लास, मीन्स जो रिपोर्टेड क्लास हमारा है उसके टेंस में कोई चेंज होने वाला नहीं है. दिस इज योर जनरल रूल. आइए देखते हैं. तो पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करने लगते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले रखते हैं. हाँ, रीना विल से क्या होगा, रीना विल से दैट
यू विल नॉट दैट, आप इसको यू जो होता है आपका सेकंड पर्सन, पर्सन परिवर्तन देखेंगे यहाँ पर, ऐसे ही समझ लेते हैं दैट ही विल नॉट कुक। क्या हुआ यहाँ पे, आपका टेंस नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ बेटा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में रहा या तो फ्यूचर में रहा। फर्स्ट वाला आपका प्रेजेंट में रहा, सेकंड वाला आपका फ्यूचर में रहा है, इसलिए टेंस में चेंज नहीं हुआ। पर्सन में चेंज हुआ है, पर्सन में चेंज कैसे होता है वो भी जनरल रूल्स में ही आता है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, पहला नियम रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, डबल हो चाहे सिंगल हो। सेकंड रूल कि प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में जो रिपोर्टेड का वर्ब होगा उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब थर्ड रूल हम पढ़ेंगे कि टेंस में चेंज होगा जो भी रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा उसके टेंस में चेंज होगा। क्या कंडीशन होगी, जब उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। आइए देख लेते हैं, थर्ड रूल आपका है चेंज इन टेंस ऑफ वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लॉज या स्पीच या स्टेटमेंट, व्हाट एवर यू कैन से। थर्ड रूल है आपका, कब होगा बेटा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। कब होगा, अब आप जान चुके हैं रिपोर्टिंग में क्या है, जो पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, तो उस कंडीशन में आपका जो है चेंज होगा टेंस में। और कब नहीं होगा, दूसरा रूल कहता है कि नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भाग में। अब पास्ट में रहने पर चेंज होगा तो कैसे होगा उसको समझते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्राइक वन राइट हैंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। महिमा सेड आई आई एम लर्निंग ए सॉन्ग, आई एम लर्निंग ए सॉन्ग। महिमा सेड आई एम लर्निंग ए सॉन्ग। यहाँ पर देखिए बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब आपका बाहर वाला जो पार्ट होता है रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमास के, और अंदर वाला रिपोर्टेड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही आपको देखना है किसमें है, पास्ट में। सेड लगा, से का सेकंड फॉर्म आ गया, मीन्स पास्ट में है, मीन्स इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके टेंस में हमें चेंज करना है। थर्ड जनरल रूल आप देख रहे हैं कि क्या लिखेंगे आप, महिमा सेड दैट शी वाज लर्निंग ए सॉन्ग। यहाँ पर टेंस चेंज हुआ और यहाँ पर दैट का यूज हुआ। ये सब बात की चीजें हैं, उन्हें हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस होता है, किस तरह के सेंटेंसेस आपके होंगे उसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा, वो हर सेंटेंस का एक अलग अलग रूल है, उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ यहाँ ये समझते जाएं कि यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ बाबू, क्योंकि महिमा सेड आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में थे। अगर आप चाहें कभी एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ के रखते हैं। अब किस तरह से चेंज होता है टेंस में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके तीसरा रूल आपका ए बी सी डी करके अगर आप समझें, तो ए में जो आपका प्रेजेंट का इनडेफिनिट होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल पास्ट में बनता है। कब बेटा, जब आपका टेंस चेंज होना शुरू होगा तब। और किस कंडीशन में आपका टेंस शुरू हो रहा है चेंज होना, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग क्लास किस में है, हाँ पास्ट में है। जब भी आपका रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में होगा या रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच पास्ट में होगा, तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली टेंस चेंज होते जाएंगे। उसका रूल्स क्या है, प्रेजेंट के जितने भी होंगे, ऑल प्रेजेंट जितने भी प्रेजेंट होंगे सब पास्ट में चले जाएंगे। मीन्स आप देखें तो अगर आपका प्रेजेंट का इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट प्रेजेंट का इनडेफिनिट है, किस में चला जाएगा, पास्ट का इनडेफिनिट हो जाएगा। दूसरा आपका या सिंपल प्रेजेंट भी इसको कहते हैं आप, जैसा भी हो। बी आपका होगा कि प्रेजेंट का आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका क्या बन जाएगा, वेरी गुड, पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है आपका सी, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का जो आपका परफेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। फिर आपका डी वाला रूल, चौथा रूल है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। उसके बाद आपका ई वाला रूल्स आप देखेंगे, पास्ट का इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट का जो इनडेफिनिट होगा वो पास्ट का क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट बनेगा। और ई के बाद एफ आपका है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सिक्स आपके चेंज हो रहे हैं। कब चेंज हो रहे हैं बाबू, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के किसी पार्ट में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा, ये आपका तीसरा रूल कह रहा है। इसके साथ ही साथ मॉडल्स में है वो भी चेंज होते हैं, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, और मे का माइट, उसको भी जी के माध्यम से देख लेते हैं। विल रहेगा तो क्या बन जाएगा आपका, वेरी गुड, वुड, शैल का क्या हो जाएगा बच्चों, शैल का शुड, कैन रहेगा तो क्या बन जाएगा, कैन का कुड, एंड मे अगर है तो मे का क्या बन जाएगा, माइट बन जाता है। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होता आपका अगर रिपोर्टिंग, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन एनी पार्ट ऑफ पास्ट, इसके बावजूद भी इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके अलावा जो भी सेंटेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच के होंगे उनके वर्ब में आपका टेंस में कोई चेंज होना नहीं है। अब दूसरा रूल में क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं होना। अब इसके लिए आपके सब कुछ एक्सेप्शन हैं, उनको देख लेते हैं। एक्सेप्शन में क्या है, पास्ट का परफेक्ट उन्नो चेंज में आता है, इसको आगे रिमूव कर दे रहा हूं मैं, जिनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं, या जस्ट कीप इन योर माइंड, आगे मैं किस तरह से चलेगा उसको बताता चलूंगा। तो इसमें भी आपका एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन आता है नोट आप कर सकते हैं, नोट, नोट में अगर आप फर्स्ट देख लें तो पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, और फिर एंड पास्ट का आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या होंगे, नो चेंज होंगे, क्या होंगे, नो चेंज। आप अपने जानकारी के लिए देख लें नो चेंज, और आप लोग काफी हद तक चीजों को जानते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड आपका नोट में कहता है, सेकंड वन कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल ट्रूथ, ध्यान में रखिए, जस्ट कीप इन माइंड, कौन कौन, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ, ये दोनों अगर इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं उनको भी हमें क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना। सिर्फ उतना दिमाग में रखें आप कि जो रूल्स आपने पढ़ा कि ये चेंज होते हैं, सिर्फ आपको उन्हीं को चेंज करना है। जस्ट कीप इन माइंड कि अगर वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है या आपका हैबिचुअल ट्रूथ आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में उनको चेंज नहीं करना है, उनका टेंस नहीं चेंज होगा। दूसरे पार्ट के परफेक्ट के सेंटेंसेस अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ रहे हैं, रिपोर्टेड क्लास में आ रहे हैं, या पार्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेज आ रहे हैं, वो भी क्या होंगे, नहीं चेंज होंगे, नो चेंज। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वेरी वेल। क्या समझा हमने, तीन रूल समझा, पहला इन्वर्टेड कॉमास का हटा देना, दूसरा
टेंस का न चेंज होना किस कंडीशन में चेंज है, जब हमारे रिपोर्ट में प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी भी पार्टी में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे व्हेन एवर वी आर चेंजिंग द डायरेक्ट नरेशन इनटू ए इनडायरेक्ट नरेशन। एंड थर्ड वन क्या था कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज किया जाएगा। कैसे चेंज किया जाएगा, जिस रूप को आपने पढ़ा प्रेजेंट के सभी पास्ट हो जाएंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट का कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस तरह के सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पाया जाता है तो नोट्स में है कि नो चेंज होगा। और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल ट्रूथ है, ऐसे ट्रूथ भी अगर सेंटेंसेज में आ रहे हैं उन्हें भी हमें चेंज नहीं करना चाहिए। जैसा कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चल, द सन द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, क्या ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदैव हो रहा है, हमेशा चल रहा है, ऐसी घटनाओं को हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ है, कोई भी हैबिचुअल ट्रूथ है, कुत्ता है वो अजनबी लोगों को देख रहा है, वो भौंक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, वहां पर टेंस में चेंज नहीं होता है। इस तरह से आपका तीसरा रूल। अब चौथा रूल हम देखते हैं, फोर्थ रूल, रूल नंबर फोर्थ। चौथा रूल किसका रूल हम पढ़ रहे हैं, जनरल रूल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जनरल रूल्स या कॉमन रूल्स। तो फोर्थ क्या कहता है आपका कि चेंज ऑफ पर्सन का चेंज, तो पर्सन कहने वाला सुनने वाला और तीसरा जिसका उस मामले से कुछ लेना देना नहीं। इस तरह से आपके डायरेक्ट किसी भी डायरेक्ट नरेशन में तीन तरह के आपको पर्सन मिलेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कह रहा है, कहने वाला कौन है, अगर सिंगुलर कोई बोल रहा है तो आई हुआ, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, वी हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। इफ यू आर सेइंग समथिंग मींस आप लोग तो वी हो जाएंगे, बिकॉज यू आर मेनी इन नंबर, तो आप लोग वी हो जाएंगे और मैं सुन रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, मी हो जाऊंगा, सॉरी सुनने वाला हूँ तो यू हो जाऊंगा। तो यू हमेशा चाहे ढेर सारे लोग हों चाहे अकेला हो, यू हमेशा यू ही होता है, वही सेकंड पर्सन होता है। चाहे ढेर सारे लोग हों चाहे अकेला हो, यू हमेशा क्या होता है आपका, सेकंड पर्सन होता है। और जो फर्स्ट पर्सन होता है कहने वाला, वो वी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। और आई को देखें, यूज हमेशा प्लूरल की तरह होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाच के साथ जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम के साथ जाता है। बाकी हर जगह आपने देखा होगा कि आई का यूज हमेशा किस रूप में होता है बेटा, प्लूरल के फॉर्म में होता है, जबकि आई क्या है, सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन का, और वी क्या है, प्लूरल है फर्स्ट फॉर्म का। तो एक दो तीन, वन टू थ्री, अगर हम फर्स्ट से डिनोट करते हैं फर्स्ट पर्सन को, टू से हम डिनोट करते हैं सेकंड पर्सन को, और थ्री से किसको डिनोट करते हैं, थर्ड पर्सन को। तो इस तरह से हो गया, फर्स्ट पर्सन एस लिख दिए, सेकंड पर्सन ओ लिख दिए, थर्ड पर्सन एन लिख दिए। एस का मतलब हुआ आपका सब्जेक्ट, जैसा कि आप पढ़े भी होंगे, बताया भी गया होगा, अब नहीं जान रहे हैं तो इसको देखें और नोट कर लें। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब पर्सन में चौथा रूल क्या पढ़ रहे हैं आप, चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन के अगर आपके कोई भी प्रोनाउन पाए जा रहे हैं, कहाँ पर बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ये जनरल रूल्स है आपका, टेंस चेंज हो ना चेंज हो उससे नहीं लेना, पर्सन चेंज होगा अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस पाए जा रहे हैं वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो चेंज होंगे। तो फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा, क्यों, जो बोल रहा है वही तो फर्स्ट पर्सन है, वही जिस स्पीकिंग। अब वो सिंगुलर है, आई है कि वी है, किस फॉर्म में, कौन बोल रहा है उसको देखेंगे, राम है, सीता है, वे है, बहुत से लड़के हैं, अध्यापक है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप बाद में देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट फर्स्ट पर्सन विच आर फाउंड विद इन द इन्वर्टेड कॉमास मीन्स आपके रिपोर्टेड क्लास में जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो चेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का, जो बोल रहा है वही तो फर्स्ट पर्सन है। दूसरा आपका सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना है, मीन्स जो सुन रहा है, जैसे राम से टू सीता, द टीचर से टू स्टूडेंट, स्टूडेंट से टू प्रिंसिपल, अब सुनने वाला वहां पर प्रिंसिपल हुआ, वहां कहने वाले स्टूडेंट हुए, वहां राम कह रहा है, सुनने वाली सीता हो रही, तो सुनने वाला जो आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन सिर्फ एक है, ओनली एंड ओनली यू, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन अभी हमने बताया था, आई और इनके जो भी रिलेशन में आते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, क्या होता है, अस होता है, उसका हम चार्ट एक बनाएंगे, आप लोग उसको देखेंगे, या आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे, उसका चार्ट बनाकर किसी को लर्न करने की कोशिश करें। उसके बाद आई का मी, माय या माइन होता है, माया माइन होता है, जब उस पर जोर देंगे तो माइन हो जाता है, यू नो व्हेन एवर वी आर एम्फेसिस ऑन दैट, और यू अस हुआ, और ये क्या होता है, आर्स होता है या आर्स होता है, आर्स आर या आर्स होता है। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पजेसिव केस, ये हो गया आपका। तो इनको जब भी जो भी केस में रहेगा उसी केस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, उसे हम एग्जांपल के माध्यम से आगे समझेंगे। पहले यहाँ पर सिर्फ याद रखें कि फर्स्ट पर्सन अगर आ रहे हैं, आई या वी आ रहा है, या मी या अस आ रहा है, या माई या आवर आ रहा है, या माइन या आस आ रहा है, तो उनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, क्योंकि बोलने वाला तो वही है, जो बोल रहा है वही फर्स्ट पर्सन है, और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा क्या होता है, यू, यू के जो भी आपके रिलेशन में आते हैं वो भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। उसके बाद जब पजेसिव केस में आएगा तो क्या होगा बेटा, योर होगा, और क्या होता है, योर्स होता है, योर और योर्स, ये आपका पजेसिव केस होता है। तो एक केस कभी भी आ रहे हैं अगर आपके, कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लास में, जो इन्वर्टेड कमास के अंदर आपका पार्ट दिया गया उसमें, उस कंडीशन में आप इनको चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, राम सेड टू सीता, मीन सीता सुन रही है, सीता ऑब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ। स्टूडेंट्स सेड टू टीचर या प्रिंसिपल, स्टूडेंट कह रहे हैं, सब्जेक्ट हो गए, और सुन कौन रहा है, प्रिंसिपल सुन रहा है, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसको, सेकंड पर्सन को, ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन आ गए, इनके अलावा जितने भी आते हैं, ऑल द नाउंस एंड एवरीथिंग एल्स, दे आर थर्ड पर्सन एंड दे विल नेवर बी चेंज, वो कभी चेंज नहीं होंगे। आया समझ में, तो इस तरह से आपका पर्सन का चेंज है। अब पर्सन के चेंज का भी हम एग्जांपल आपको देंगे, एग्जांपल देते हुए चलेंगे तो उसको बताएंगे आगे। पहले आज सोच रहे हैं थोड़ा सा आपको जनरल रूल्स पढ़ा दें। इसमें जनरल रूल्स में आपको एक नोट मिलेगा, आप नोट कर सकते हैं उसको, क्या कि कभी कभी फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वी है, वी कभी कभी आ जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ में, यूनिवर्सल ट्रुथ में अगर आ रहा है, हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर वी का यूज यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वी वी ही रहेगा। जैसे दे सेड, एग्जांपल हम ले लेते हैं, सॉरी दे सेड वी कैन नॉट कांट लाइव विदाउट एयर या ऑक्सीजन, लिख दें ऑक्सीजन, देखें वी कांट लाइव विदाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबके ऊपर लागू हो रहा है, तमाम जितने भी इंसान हैं सबके ऊपर लागू। यूनिवर्सल ट्रुथ में, यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होना है, आपका अगर वी आ रहा है तो चेंज नहीं किया जाएगा। अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखिए क्या होता है, दे सेड दैट, दे सेड दैट वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ऐसी कंडीशन में टेंस भी नहीं बदलना है। अभी आपने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से वी को हमने चेंज नहीं किया। एक पॉइंट और आप लोग जस्ट कीप इन योर माइंड कि कभी कभी कोई मैगजीन होता है, कोई न्यूज़पेपर होता है, एनी काइंड ऑफ न्यूज़ बॉडी जो भी होते हैं, वो हमको जो भी सूचना देते हैं कभी कभी वे अपने लिए वी का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको वी नहीं, उनको एक सिंगल बॉडी मानी जाती है, और वी के जगह पे हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज नहीं करना था वी को, फर्स्ट पर्सन था,
यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से हमने भी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन अगर किसी मैगजीन के द्वारा किसी न्यूज़पेपर पेपर के द्वारा ये बात कही जा रही है, दे आर सेइंग दैट दे विल डू समथिंग फास्ट, तो ऐसी कंडीशन में वो वी का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम वी को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर इट का यूज करेंगे उसके लिए, और इट का आपका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, और पजेसिव केस में जब आप जाएंगे तो इट्स हो जाता है, तो उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आइए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग दिमाग में अपने रखते चलें। द इंडिया टुडे, इंडिया टुडे सेज वी never fail to deliver you good news, yeah, good topics, whatever you can say. India today says, अब India today क्या है बेटा, एक पत्रिका है, इन्होंने क्या कहा, वी नेवर फेल, मैंने एक बॉडी है पूरा, कई लोग मिल करके वो इंडिया टुडे का काम करते हैं, तो जब बॉडी के रूप में आएगा तो वहाँ वी को हमको चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका इंडिया टुडे सिंगुलर है, सिंगुलर के ही लगना चाहिए, शी लगना चाहिए, जो भी आप समझते हैं, बट यहाँ पर उसको नहीं समझना, आपको उसको समझना एक होल बॉडी है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, द इंडिया टुडे, बस आप समझते चले जाएं और दिमाग में जस्ट कीप इन माइंड द इंडिया Today says that it क्या लगा sorry it never fail to deliver You माने अब you second person आपका है, इसको देखें आप, India today के लिए we का use किया गया, लेकिन you के लिए नहीं, you माने हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है, अगर हम समझ रहे हैं कि plural में you को भी बताते हैं कैसे change करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर us हो जाएगा, deliver us good news, समझ में आया, first person subject according, देखिए फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट गाड़ी चेंज हो रहा है, लेकिन चूंकि वो न्यूज बॉडी है तो कभी भी कोई न्यूज बॉडी होगी, उसके लिए अगर वी को हम वी आया हुआ है तो वी को हम क्या किस क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, और अगर वो पजेसिव केस में आता है तो उसके लिए हम इट्स का यूज कर देंगे, इसको दिमाग में रखें। यू सेकंड पर्सन था तो सुनने के लिए, सुनने वाला किससे कह रहा है, मैंने तमाम लोगों से कह रहा है, तो उसके लिए चेंज किया गया, इसलिए वहां पर अस हमने लगाया, यू को क्या लिखा, अस लिखा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर वी का यूज होता है तो ऐसी कंडीशन में वी को वी ही रहने देते हैं, ये दोनों बातों को आप लोग ध्यान में रखें। अब पर्सन परिवर्तन में ही हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, थर्ड सेकंड पर्सन यू का चेंज, राम सेड यू फेल्ड, अब राम सेड यू फेल्ड, अब एक सेकंड पर्सन का और चेंज देख लेते हैं, राकेश हैड हेल्प्ड यू, सेड सरिता, पहले इसको देख लेते हैं सेकंड पर्सन का, सेड सरिता टू मी, अब बेटा यहाँ ध्यान दें, रिपोर्टिंग आपका यही है, पहले इसी पे लिखा जाएगा, और इस किस में है, पास्ट में है, देखिए क्या बताया गया था शुरू में, रिपोर्टिंग में शुरू में हो सकता है, स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, एंड में है, तो सरिता सेड टू मी, हाँ तो सरिता टोल्ड मी, उसका नियम अलग है, उसको बताया जाएगा आपको, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका होता रहता है, उसको आपको बताएंगे, सिर्फ समझें यहाँ पर कि किस तरह से पर्सन आपका चेंज हुआ, सरिता told me conjunction that Rakesh had
helped me. यहाँ पर देखें आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सभी जनरल रूल में आप पढ़ के आए हैं कि बदलना नहीं चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखें आपका पास्ट परफेक्ट में है और वहाँ रूल में आपके लिखा गया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते हैं, इसलिए इसका सेंटेंस का टेंस नहीं बदला है। अब यहाँ पर पर्सन की बात हो रही थी, राकेश माने मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू, उसके अलावा सब थर्ड पर्सन है, चाहे नेमिंग हो चाहे जो भी हो, सबके सब क्या होते हैं, ऑल आर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर राकेश आपका थर्ड पर्सन हुआ, टेंस नहीं बदला क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट था। अब आगे हेल्प्ड हो गया, जो भी था जैसा था उसका, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था आपका यू, यू मैंने सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब इसमें सुन कौन रहा है, सरिता तो सेट सरिता टू मी, कौन सुन रहा है, मी सुन रहा है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सरिता है, ऑब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग वर्ब का, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना था। तो मी के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कौन सा काम कर रहा है, राकेश सब्जेक्ट हो गया तो यू क्या हो गया आपका, हाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, पर जैसे होता तब क्या होता बेटा, माई या माइन हो जाता, और सब्जेक्टिव होता तब आई हो जाता, वहां पर जैसा सेंटेंस रहा उस हिसाब से देखेंगे। आपने देखा कि सेकंड पर्सन का चेंज हुआ है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है कौन, सेकंड पर्सन यू। उसके बाद आते हैं सब थर्ड पर्सन, जैसा कि राकेश था या कोई भी ही शीट है जो भी है, वो कभी चेंज ऑन नहीं होते हैं। इस तरह से यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, बट यहाँ पर देखें कि यू आया हुआ है, क्या इसे चेंज करेंगे, यस ऑफ कोर्स वी शुड चेंज इट एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन रिपोर्टिंग वर्ब। तो गिवन रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, राम सेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब कैसे चेंज करेंगे, हाउ कैन यू चेंज, यहां पर तो ऑब्जेक्ट था आपने चेंज कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यू आर फ्री टू थिंक योर सेल्फ, आप वहां पे फर्स्ट पर्सन के भी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, आप वहां पे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का भी यूज करके आप उस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, या यू को आप यू भी लिख सकते हैं, जैसा आप बेहतर वहां पर समझ पाए उस तरह से आपको करना है। आइए देख लेते हैं, राम सेड, तो राम सेड ही रहेगा, दैट आई फील, आई फील फील्ड है तो आई हैड फील्ड, सॉरी आई हैड फील्ड। अब यहां पर समझने की कोशिश करें, राम सेट पास्ट में था, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, राम यू फेल्ड, फेल फेल्ड फेल्ड, तो फेल्ड क्या है आपका सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होकर किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, जैसा कि आप अभी टेंस परिवर्तन का रूल पढ़ रहे थे कि जब रिपोर्टिंग पास्ट में होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह से चेंज होगा। तो यहां पर आई, आई कहां से आई, यू सेकंड पर्सन सुनने वाला, वहां पर सुनने वाला कोई है ही नहीं, मैंने क्या बताया कि आप किसी भी फर्स्ट पर्सन का यूज कर सकते हैं या किसी भी थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं, अपने विवेक से अपने सोच के अकॉर्डिंग जैसा आप समझ सकते हैं उस तरह से, यू आर फ्री टू डू टू यूज एनी काइंड ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो राम सेड दैट आई हैड फेल्ड, टेंस बदला, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब इसी को समझिए कि राम सेड टू मी हो गया, अगर हम इसको समझ लें राम सेड टू हिम, तो आई के यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, बाकी सब वही हो रहा है, चेंज हो रहा है, समझने की कोशिश करें कि राम सेड टू मी, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया यू सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से यू यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा था, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, तो आई लगाया आपने। अब राम सेड टू हिम, आपने समझ लिया कि यहाँ पर हिम है, टू हिम, तब हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है सेकंड पर्सन आपका, जब सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है, तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो यहां पर ही हो जाएगा, ही हैड फेल्ड। अगर मान लीजिए यहां टू हर, तब क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ तो शी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी, शी हैड फेल्ड। मान लीजिए वहां पर देम, टू देम, समझने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें, टू देम अगर आ गया तो देम अब यू सेकंड में सुनने वाला, और राम सेड टू देम, देम के अकॉर्डिंग देम का सब्जेक्ट, यहाँ पर यू क्या है, किसका काम कर रहा है आपका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, दे होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, दे हैड फेल्ड, क्या हो जाएगा। अब मान लो कहा कि राम सेड टू अस, किससे कहा, सेड टू अस,
हर कंडीशन में आप समझें, अगर अस कह रहा है अस माने वी का अस होता है, अब अस के अकॉर्डिंग आते हैं कि राम सेड यू सेकंड पर्सन सुनने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला माने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ था नहीं, आपने अपने मन से इमेजिन किया कि मान लो यहाँ पर अस आया, तो अस के लिए यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है बच्चों, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए उसका सब्जेक्टिव केस लाएंगे, तो सब्जेक्टिव अस का क्या होता है, वी दैट वी हैड फेल्ड। आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे उन्हें आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बट इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप, तो उस कंडीशन में आप क्या अकॉर्डिंग लाएंगे कि अपने दिमाग से आप सोचेंगे कि वहां पर अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई है तो मी, अस है मी है तो अस है तो वी, हिम है तो ही, हर है तो शी, जैसा भी रहे उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके पूरा वाक्य को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आपका चौथा रूल हो गया पर्सन परिवर्तन का। अब लास्ट रूल आप देखते हैं क्या है, चेंज ऑफ सम वर्ड्स शोइंग प्लेस टाइम एंड थिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपका पांचवा रूल है, आपका जनरल रूल्स की बात, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रूल्स, व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर जनरल रूल्स। तो जनरल रूल्स में पांचवा रूल्स क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें स्थान वस्तु या समय को बताते हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ वहाँ पर आपके रिपोर्टेड स्पीच के जो पार्ट है, रिपोर्टेड क्लास जो होता है उसमें दिया रहता है, उसे हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज होता है, अगर वहाँ पर हियर दिया है तो हियर का क्या होगा बच्चों, देयर हो जाएगा। दिस दिया है, दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। नाउ दिया है, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। टुडे दिया है, टुडे का क्या हो जाएगा, डेट डे। कम दिया है, कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। उसके बाद आपका हियर देयर दिस दैट, दीज दिया है, दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद टुमारो दिया है, टुमारो, टुमारो का क्या होगा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, या इसको आप नेक्स्ट डे, कमिंग डे भी कह सकते हैं, कमिंग डे या नेक्स्ट डे। यस्टरडे दिया है, यस्टरडे, द डे बिफोर, द डे बिफोर, या इसे प्रीवियस डे कहते हैं, प्रीवियस डे। इसी तरह से लास्ट नाइट, लास्ट का नेक्स्ट होगा तो फॉलोइंग, नेक्स्ट का फॉलोइंग, सॉरी। अब उसके साथ नाइट लगा है कि मंथ लगा है कि ईयर लगा है, तो फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मंथ, हाँ फॉलोइंग संडे। उसके बाद लास्ट दिया है, लास्ट का क्या होगा, प्रीवियस। अब इसके साथ जो भी सब वर्ड जुड़े होंगे उसको आप ध्यान दें कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, तो प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस संडे। इस तरह से आपका चेंज होता है, क्या स्थान बताएगा, कोई वस्तु बताएगा या समय बताएगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा, तो टेंस चेंज के साथ इनको भी हमें चेंज करना रहता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें, नोट्स में रखें, नोट आपको बताता है कि जब आपका दिस हो गया, अच्छा नाउ का देन, एगो का बिफोर, सॉरी एगो का बिफोर भी होता है, हाँ, और दस का सो, सॉरी दस का सो, ये भी होता है, इसको दिमाग में रखे रहें, चीजें आती रहती हैं दिमाग में। दिस हो गया, हियर हो गया, नाउ हो गया, टुडे हो गया, एंड कम हो गया। ये पांच वर्ड्स पे आप विशेष ध्यान रखें कि जब दिस हुआ, हियर हुआ, नाउ, टुडे या कम, बात करते समय जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास का जो सब्जेक्ट है, ये चीजें जिन चीजों को दर्शा रहे हैं, शब्द जिन चीजों को, चाहे जिस स्थान को दर्शा रहे हैं, चाहे जिस वस्तु को दर्शा रहे हैं, चाहे जिस समय को बता रहे हैं,
अगर बात करते समय लगता है कि वो सब्जेक्ट के साथ साथ चल रहा है, जिस समय बोल रहा उसी समय उसके साथ वो वस्तु है, वो समय या वो स्थान वो दर्शा रहा है, ऐसी कंडीशन में इन्हें चेंज नहीं किया जाता है। इन नोट्स में है आपके, जस्ट कीप इन माइंड। क्या नोट्स कहता है कि दिस हियर नाउ टूडे कम, बदलते हैं किस तरह से आप तो समझ गए। तो कब नहीं बदलते हैं, जब वो जो आपका सब्जेक्ट है उसी के साथ वो चल रहा है, वो भी वस्तु वो स्थान या वो समय जिसके बारे में बात कर रहा है उस सेंटेंस के साथ साथ वो भी चल रहा है, आपको लगे कि प्रेजेंट में है वहां पर, तो ऐसी कंडीशन में इन शब्दों का चेंज आपको नहीं करना है। यू हैव नॉट टू मेक एनी चेंज इन दीज फाइव वर्ड्स। ये आपका रहा पूरा। तो क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा नरेशन। नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, दो, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, दो, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है, या रिपोर्टेड क्लास कहते हैं उसको, रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लास क्या होता है, आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास होता है। रिपोर्टेड क्लास क्या होता है, विद इन द इन्वर्टेड कॉमास होता है। रिपोर्टिंग क्लास कहाँ कहाँ हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मिडिल ऑफ द सेंटेंस एंड एंड ऑफ द सेंटेंस में हो सकता है। उसके बाद आपने पढ़ा जनरल रूल। जनरल रूल्स में आपने क्या पढ़ा, पहला जनरल रूल्स आपका क्या कहता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड जो भी वहाँ पर दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूवल। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे अगर वो प्रेजेंट के या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में होगा तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट है उसके वर्ब के टेंस में हम क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम तीसरा रूल कहता है कि जैसे ही देखते हैं रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड जो भी क्लास आपका है उसके जो भी सेंटेंस के वर्ब रहेंगे उन वर्ब का टेंस जो है हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास्ट का इंडेफिनिट है पास्ट का परफेक्ट हो जाता है, पास्ट का कंटिन्यूअस है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। उसके बाद आपने देखा कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो कुड हो जाएगा। इसके अलावा जो भी मॉडल्स हैं उनको चेंज करना नहीं है, बस जितना आपको रूल्स में बताया गया उतना ही आपको चेंज में लाना है। और उसके अलावा आपको नोट्स में आपने देखा कि नोट्स क्या कहता है, नोट्स कहता है कि किसी तरह का हैबिचुअल ट्रुथ है, हैबिचुअल ट्रुथ है या हैबिचुअल आपका क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसे सेंटेंसेस अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहे हैं आपके रिपोर्टेड क्लास में है तो उनके टेंस में भी कोई चेंज नहीं लाया जाता है। प्रेजेंट का सॉरी पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो भी सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है रिपोर्टेड क्लास के अंदर आता है उसको उसका भी टेंस हम क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं। उस पर आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने तीसरे बच्चा चौथा रूल क्या देखा, पर्सन परिवर्तन का रूल देखा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। एक दो तीन अपान एस ओ एन था, एस से आपका सब्जेक्ट हो गया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने आपका हो गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आपका थ्री अपान नो एन हो गया मीन्स नो चेंज हुआ। इस तरह से आपने उसमें एक चीज और पढ़ा कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वी का अगर हम यूज कर रहे हैं वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी कंडीशन में अगर हम वी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सबको पानी की जरूरत होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में न तो टेंस चेंज होते हैं और न ही वी को हम चेंज करते हैं क्योंकि सबके लिए लागू होता है, इसलिए वी को हम वी ही लिखते हैं। दूसरी चीज़ आपने एक और पढ़ा कि अगर कहीं कहीं हमको वी मिलता है वो भी किसी की, कौन यूज़ करता है, कोई न्यूज़पेपर वाला है, कोई न्यूज़ बॉडी है, चाहे वो मैगजीन है चाहे न्यूज़पेपर है, वो लोग अपने लिए वी का यूज़ करते हैं, तो उस वी को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में भी इट हो जाएगा और पजेसिव केस में क्या होता है बेटा, इट्स हो जाता है। इस तरह से इसको भी हम ध्यान में रखते हुए अपना ट्रांसलेशन जो भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है उसको करते चले जाएंगे। उसके बाद आता है यू के बारे में, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कभी कभी क्या होगा, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आपने यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आप अपने दिमाग से सोचिए कि वहां पर आए है, सेट टू मी है तो आए हो जाएगा, सेट टू हिम है तो ही हो जाएगा, सेट टू हर है तो अपने मन से सोचेंगे कि वहां किससे कह रहा है, हाँ तो शी हो जाएगा, सेट टू देम है तो दे हो जाएगा, सेट टू अस है तो वी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑफ सेकंड पर्सन को चेंज कर देंगे। और अगर वहां पर आपके दिया हुआ है कोई सेकंड पर्सन सुनने वाला कोई मौजूद है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने यू को चेंज कर देंगे। उसके बाद आपका थर्ड पर्सन से कोई लेना देना नहीं, इस तरह से आपका खत्म हो। उसके बाद आते हैं ये शब्द तमाम जो कि आपने देखा, जिसका दैट, जिसका दोस्त, हियर का देयर, नाउ का देन, यस्टरडे का, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, जो भी है, इन सारे शब्दों को भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में चेंज आते हैं उस समय। लेकिन उसमें नोट्स में आपने देखा कि कभी कभी ये जो पांच शब्द हैं इनके द्वारा जो भी वस्तु जो भी समय जो भी स्थान दिखाया जा रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साथ साथ चल रहा है उसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि वहाँ पर मौजूद है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनको नहीं बदलेंगे। ये आपका पूरा खत्म हुआ जनरल रूल्स इसका नरेशन का। अब आगे से हम पढ़ेंगे पांच तरह के जो वाक्य होते हैं जिनके लिए हमें क्या किया जाता है, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज किया जाता है, उनको हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। हाँ, थैंक यू वेरी मच।